अंजनी गर्भसम भूतण कुमारण ब्रह्मचारिणम दिव्यम रक्षो मर्दना वंदे लोकाभ्यंकरम अंजनी सुतम वीरन जानकी शोकनाशन कपीश्मक शहंतारण वंदे लंकाभ्यंकरम ततो रामः शशस्यान्ते ह्युदिते रविमंडले हनुमन्तं महातेजाः सुप्रीतः सम्पृच्छत्। किष्किंधा अंजनी पर्वत हम्पी के पास स्थित है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है और विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। इस पहाड़ी पर एक हनुमान मंदिर है, जहां भगवान हनुमान की पूजा होती है। रामायण काल में किष्किंधा वानर राज बाली का राज्य था। किष्किंधा विरूपाक्ष के मंदिर से 4 मील दूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत एक अद्भुत यात्रा पर, जहां प्रकृति के अद्वितीय सौंदर्य और पौराणिक कथाओं के बीच स्थित है किष्किंधा अंजनी पर्वत। अगर आप भी इस अद्भुत स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। किष्किंधा पर्वत आपके स्वागत के लिए तत्पर है।
मंदिर, अंजेंद्री पर्वत का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित हनुमान मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा है और मंदिर तक पहुँचने के लिए 575 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, इस पहाड़ी से आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। ऐतिहासिक महत्व, हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर, महल और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, जो विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। यात्रा का समय, अंजेंद्री हिल की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, जब मौसम सुखद रहता है और यात्रा के लिए अनुकूल होता है। कैसे पहुँचे? अंजेंद्री हिल हम्पी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम्पी तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन होस्पेट है, जो हम्पी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी या ऑटो रिक्शा द्वारा अंजेंद्री हिल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। अंजेंद्री हिल धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो धार्मिक श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। किष्किंधा अंजनी पर्वत, जिसे भगवान हनुमान के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म स्थान अंजनी पर्वत, किष्किंधा अंजनेयाद्री पहाड़ी को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। हम्पी के अन्य स्मारकों और मंदिरों की तरह इसका उतना प्रचार नहीं किया जाता है। इसके शीर्ष पर पहुंचने के लिए 575 सीढ़ियां हैं और यहां हनुमान जी का मंदिर है। यहां बहुत सारे बंदर हैं। अद्भुत सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के लिए सुबह 5 से 6 बजे जल्दी निकलें। खाने पीने की चीजें बैग में रखें, ताकि बंदर आकर्षित न हो। सीढ़ियों के नीचे चाय और नाश्ते के लिए कुछ दुकानें हैं। शीर्ष पर पहुंचने में अधिकतम 30 मिनट लगेंगे और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से हम्पी का पूरा नजारा देखा जा सकता है। किष्किंधाकांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग है। श्री राम ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने श्री राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएंगी और उन्हें खोजने में वह सहायता देगी। साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गए और वर्षा तथा शरद ऋतु बीत गए। राम के नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। किष्किंधा पर्वत, जो भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित एक प्रमुख स्थल है, अपनी रहस्यमय कहानियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर चढ़ते समय आपको लगभग 575 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला दृश्य आपकी सारी थकान मिटा देगा। यहाँ स्थित हनुमान मंदिर में भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। किष्किंधा पर्वत का हर कोना अपने आप में एक कहानी बयां करता है। यहाँ का हर दृश्य, हर मोड़ एक नया अनुभव देता है।
पड़ाव है पंपा सरोवर। हम्पी के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह सरोवर हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। पंपा देवी, जो भगवान शिव की पत्नी और तुंगभद्रा नदी की देवी मानी जाती है, यह सरोवर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। पंपा सरोवर का नाम पंपा देवी के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि पंपा देवी ने यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। रामायण के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण ने माता सीता की खोज में हनुमान से पहली बार मुलाकात की थी। यह पवित्र स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों का भी केंद्र है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और यह भारत के 5 पवित्र सरोवरों या झीलों में से एक है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार 5 पवित्र झीलें हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच सरोवर कहा जाता है। मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। इनका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में भी किया गया है। हिंदू शास्त्रों में पंपा सरोवर को वह स्थान माना जाता है जहां शिव की पत्नी पार्वती के एक रूप पंपा ने शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए तपस्या की थी।
यह उन सरोवरों में से एक है जिसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में उस स्थान के रूप में मिलता है जहां राम की भक्त शबरी ने राम के आगमन की प्रतीक्षा की थी। पंपा सरोवर झील एक घाटी में स्थित है जो होसपेट से अनेगुंडी जाने वाली सड़क पर पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है। यह हनुमान मंदिर की तलहटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तालाब के सामने एक लक्ष्मी मंदिर है, साथ ही एक शिव मंदिर भी है। तालाब के बगल में एक आम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा गणेश मंदिर है। रामायण में पंपा सरोवर का उल्लेख उस स्थान के रूप में किया गया है जहां मतंग ऋषि की शिष्या शबरी ने राम को निर्देश दिया था जब वे अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से छुड़ाने के लिए दक्षिण की ओर यात्रा पर निकले थे। कहानी के अनुसार राम की एक पवित्र भक्त शबरी राम को देखने के लिए हर दिन प्रार्थना करती थी। वह अपने गुरु मतंग के आश्रम में रहती थी जिसे अब हम्पी में मतंग पर्वत के रूप में जाना जाता है। अपने गुरु मतंग ऋषि के निधन से पहले उन्होंने उससे कहा था कि वह निश्चित रूप से राम को देखेगी। उनकी मृत्यु के बाद शबरी राम की प्रतीक्षा में आश्रम में रहती रही। 13 वर्ष बीत गए और शबरी एक बूढ़ी औरत बन गई और अंत में भगवान राम इस स्थान पर आए और लंका की यात्रा पर आश्रम में रुके। फिर उन्होंने उसे सीता के अपहरण की घटना सुनाई और शबरी ने सुझाव दिया कि वे वानर राज्य के हनुमान और सुग्रीव से मदद मांगे जो पंपा झील के पास दक्षिण में रहते थे। भगवान राम ने मतंगा झील में पवित्र स्नान किया। यह है हम्पी का वाणी भद्रेश्वर गुड़ी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दौरान 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे स्थानीय भाषा में भद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है।